हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरके बायो वर्सेटाइल। आई एम रेशमा कपूर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज के इस लेक्चर में हम एपीजे सिस्टम के लेटेस्ट फोर्थ वर्जन की डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियसली हमने देखा था एपीजे सिस्टम की हिस्ट्री और प्रिंसिपल को। हमने ये देखा कि एपीजे सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इसको तैयार करने में कुछ जीनों की मुख्य भूमिका रही है। उन जीनों के डीएनए सीक्वेंसेस पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, उन सूचनाओं के आधार पर एपीजे सिस्टम तैयार किया गया था। ये जीन थे क्लोरोप्लास्ट के जीन, एटीपी बी एंड आरबीसीएल, और एक न्यूक्लियर जीन 18S राइबोसोमल डीएनए। आज हम एपीजी सिस्टम के लेटेस्ट फोर्थ वर्जन को डिटेल में पढ़ेंगे। एपीजी का फोर्थ वर्जन जो है वो 2016 में आया, लेकिन इसको तैयार करने की जो मेथडोलॉजी है उस पर कई क्रिटिसिज्म, कई सवाल खड़े हुए, और साथ ही इस वर्जन में एक आम सहमति को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। अपने प्रीवियसली वर्जन की अपेक्षा इस वर्जन पर आम सहमति बना पाना एक कठिन कार्य रहा है। पीटर स्टीवंस ने एपीजे सिस्टम के अंतर्गत जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उनमें परिवर्तन होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में फैमिलीज के डिलिमिटेशंस हो जाने पर क्या वैधता रह जाएगी, सिस्टम की क्या वैधता रह जाएगी, इसके बारे में डिस्कशन किया, इस पर सवाल खड़े किए। और इसी संदर्भ में एपीजे सिस्टम में के लेटेस्ट वर्जन के लिए जो है दो जीन्स की अपेक्षा प्लांट के लगभग सभी मुख्य जीनों को सम्मिलित किया गया। इन जीनों के डीएनए सीक्वेंसेस की डिटेल में इंफॉर्मेशन जब प्राप्त हुई, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर सिस्टम में एपीजी के वर्जन्स में कई परिवर्तन किए गए, और उन परिवर्तनों से फिर एक नया लेटेस्ट वर्जन APG-4 तैयार किया गया। APG-4 सिस्टम एक मॉडर्न वर्जन है जो मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर स्टडीज पर डीएनए सीक्वेंसेस से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही तैयार किया गया है। ये वर्जन 2016 में पब्लिश हुआ। अपने पुराने वर्जन APG-3 सिस्टम जो 2009 में पब्लिश हुआ था, उसके करीब 7 साल बाद ये लेटेस्ट वर्जन आया। साथ ही इस वर्जन में एक मुख्य जो बात रही वो ये थी कि इस वर्जन के अंतर्गत क्लेड्स के लीनियर अरेंजमेंट को सेपरेटली पब्लिश किया गया था। अगर APG-4 सिस्टम को हम APG-3 सिस्टम से कंपेयर करें तो APG-4 सिस्टम में कई तरह के परिवर्तन या अपडेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे APG-4 सिस्टम में 5 नए ऑर्डर्स पहचाने गए हैं या इंक्लूड किए गए हैं। ये ऑर्डर्स है बोराजिनियस, डिलेनियस, इकेसिनियस, मेटेनिसेस एंड वाइलियस, और इसके साथ ही कुछ नई फैमिलीज भी इंक्लूड की गई हैं, जिससे इस वर्जन में टोटल 64 एंजियोस्पर्म के ऑर्डर्स एंड 416 फैमिलीज हो गई हैं। साथ ही इस वर्जन में 2 नए इनफॉर्मल मेजर क्लेड्स, सुपर रोजेट्स एंड सुपर एस्टेरिड्स भी इंक्लूड किए गए हैं। दोनों जो क्लेड्स हैं, सुपर रोजेट्स एंड सुपर एस्टेरिड्स, इसमें एडिशनली ऑर्डर्स भी रखे गए हैं, और साथ ही रोजिट्स एंड एस्टेरिड्स क्लेड्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बहुत बड़े डोमिनेटेड क्लेड्स हैं। इस वर्जन में कुछ ऐसी फैमिलीज जो कि मोनो फैमिलियल ऑर्डर्स से
से बनी हुई थी, जैसे डेसिपोगोनेसी एंड सेबिएसी को क्रमशः एरिकेस एंड प्रोटीएस ऑर्डर्स में रेफर कर दिया गया। मीन्स इस वर्जन में ये फैमिलीज जो है मोनोफैमिलियल ऑर्डर्स वाली फैमिलीज को इन एरिकेस एंड प्रोटीएस ऑर्डर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। साथ ही लेटेस्ट वर्जन में कुछ नई फैमिलीज भी पहचानी गई हैं, जैसे टुएसी, मेकार्थोरेसी, मोंडिएसी, माइक्रोटिएसी, पिटेनेसी, पेरेसी, पेटिवेरेसी एंड नाइसिएसी। ये कुछ नई फैमिलीज पहचानी गई हैं, और कुछ प्रीवियसली फैमिलीज जो पहले के वर्जन्स में थी उनको लम्प्ड भी कर दिया गया है, उनको लुप्त कर दिया गया है। जैसे एरिस्टोलेकिएसी, इस फैमिली को इंक्लूड कर दिया गया है लैक्टोरिडेसी एंड हाइड्रोनोरेसी में। इसी प्रकार रेस्टियोनेसी को इंक्लूड कर दिया गया है एनार्थिएसी एंड सेंट्रोलेपिडेसी में, और बॉक्सेसी फैमिली को अब इंक्लूड किया गया है हिप्टेंथेसी फैमिली से। इस तरह से स्टूडेंट ये जो एपीजी का फोर्थ वर्जन है इसमें कुछ तो नई फैमिलीज रखी गई हैं और कुछ पुरानी फैमिलीज को लम्प कर दिया गया है, साथ ही क्लेड्स को भी जोड़ा गया है। साथ ही इस वर्जन में कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके साथ नोमेनक्लेचर्स के इश्यूज थे उनमें के उनके नाम में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे जेंथोरेसी को अब जेंथोरेसी के बजाय एस्पोडिलेसी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मिलेंथेसी के बजाय जो नया नाम दिया गया है वो है फ्रेंकोएसी। ठीक है, इसी तरह दो पैरासिटिक फैमिलीज साइनोमोरिएसी, इसको अब सेक्सिफ्रेगेस ऑर्डर में रखा गया है एंड एपोंडेंथेसी को कुकुरबिटेस ऑर्डर में रखा गया है। इसी तरह एपीजी फोर सिस्टम में जो एक नई चीज अब पब्लिश हुई है वो है कि ये लीनियर अप्रोच को भी यूज करता है। लीनियर अप्रोच लीनियर सिक्वेंसेस है फैमिलीज का, जिसको LAPG कहते हैं। ये हेस्टन एट ऑल द्वारा तैयार किया गया था और ये एपीजी सेकंड पर बेस्ड है। हेस्टन एट ऑल ने एपीजी सेकंड पर बेस्ड जो लीनियर अप्रोच दिया था उसमें 479 फैमिलीज थी, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में 416 फैमिलीज ही इंक्लूड की गई हैं। स्टूडेंट यहाँ एक टेबल है जिसमें एपीजी के हम शॉर्ट वर्जन को दिखा रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एपीजी। इस टेबल में कॉलम्स में क्लेड्स एक एक कॉलम में क्लेड है, ऑर्डर्स रखे गए हैं एंड 416 जो फैमिलीज हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है, 12 क्लेड्स में जो सबसे पहला क्लेड है वो है एंजियो स्पर्म, जिसके ये ऑर्डर्स हैं एम्बोरिलियस, निम्फियस, ऑस्ट्रोबेलियस एंड क्लोरेंथेस। उसके बाद सेकंड क्लेड है मैग्नोलेट्स, इसमें ये ऑर्डर्स रखे गए हैं। देन फिर मोनोपोड्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लेड कमेनिलिड्स है, ठीक है, जिसमें एक फैमिली जो अनसर्टेन है डेसिपोगेनेसी रखी हुई है। स्टूडेंट्स इस एब्स्ट्रैक्ट में जो 416 फैमिलीज हैं उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, लिमिटेशंस के कारण संभव नहीं था। केवल जो अनसर्टेन फैमिलीज हैं जिनकी पोजीशन अनसर्टेन है, मींस ये पता है कि इस क्लेड से संबंधित है लेकिन ये कौन से ऑर्डर में आएंगी ये अभी भी अनसर्टेन है, तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन करके रखी गई है। और ऐसी अनसर्टेन फैमिलीज का नंबर 8 है। ठीक है, इसी प्रकार यूडिकोड्स हैं
जिसमें एक अनसर्टेन फैमिली है सेबीएसी। यहाँ स्टूडेंट अगर आपने देखा तो ये जो एंजियोस्पर्म एंड मैग्नोलिट्स लेड है, जिन्हें हम बेसल एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी कहते हैं, इसके जस्ट बाद मोनोपोड्स आ गए, एंड देन फिर कमेनिलिड्स है, और फिर यूडीपोड्स है। मींस एपीजी सिस्टम जो है, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी सिस्टम जो है, वो ट्रेडिशनल एंजियोस्पर्म की डिवीजन दैट इज मोनोपोड एंड डाइपोड्स को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उसके अनुसार मोनोपोड्स पहले आते हैं, देन फिर कमेनिलिड्स है, और फिर यूडीपोड्स। उसके बाद है कोर यूडीपोड्स आ गए हमारे, जिसमें गनेरेल्स एंड सेक्सिफ्रिगेल्स ऑर्डर है, एक डिलेनिएसी अनसर्टेन फैमिली है, देन रोजिड्स हैं, फेबिड्स हैं, फेबिड्स जिनको हम यूरोसिड्स फर्स्ट भी कहते हैं, देन मालवीड्स है जिन्हें यूरोसिड सेकंड कहते हैं, एस्टेरिड्स है, लेमिड्स हैं, लेमिड्स यूरो यू एस्टेरिड्स वन, जिसमें ये पांच अनसर्टेन फैमिलीज आती हैं। ये हैं बोराजिनिएसी, वाइलिएसी, लेसिनेसी, मेटेनसुएसी एंड ऑन्कोथीरेसी। देन लास्ट क्लेड है कैंपेन्युलेट्स, यू एस्टेरिड्स सेकेंड। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्डर्स हैं एपीएस, एक्विफोलियस, एस्टेरेस, देन ब्रूनियस, डिप्सेकेस, एस्केलोनियस एंड पैरा क्रिफिलियस। ठीक है, इसमें यहाँ देखिए, जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स होते हैं उनमें हम एस्टरेस को एडवांस्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक वाला ऑर्डर मानते हैं कि सबसे एडवांस एंजियोस्पर्मिक ऑर्डर है, लेकिन एपीजी के अनुसार एस्टरेस के बाद भी कुछ ऑर्डर्स रखे गए हैं जो एस्टरेस से एडवांसमेंट को शो करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको सभी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के एपीजी सिस्टम की और डिटेल में स्टडी करनी है, तो आप एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी वेबसाइट एपी वेब पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट पीटर एफ स्टीवंस, जो सभी एंजियोस्पर्म पेपर्स के, एपीजी पेपर्स के प्रमुख ऑथर रहे हैं, उनके द्वारा मेंटेन है, रेगुलर अपडेट देती है। जितनी भी एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी से रिलेटेड रिसर्चेस होती हैं, शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, उनको ये अपडेट करती है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है, महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी के बारे में डिटेल में सूचनाएं प्राप्त करने का। इस स्लाइड में स्टूडेंट एक पोस्टर है, ये पोस्टर मैंने एपी वेब से लिया है। इस पोस्टर में जितने भी 416 फैमिलीज जो हैं, उन 416 फैमिलीज के जो फ्लावर्स होते हैं उनका पोस्टर तैयार किया गया है। जैसे ये जितने भी फ्लावर्स है ना, ये 1 2 3 4 5 cc जो कॉलम दे रखा है, ये अर्ली एंजियोस्पर्म्स को दिखा रहे हैं। ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये मोनोपोड्स के अंदर जितनी फैमिलीज आती हैं, मोनोपोड क्लेट के अंदर जितनी फैमिलीज आती हैं, ये उनका एक फ्लावर का पोस्टर तैयार किया हुआ है। इसी तरह से यूडीपोड्स हो गए, ठीक है, कमेनिलिड्स हो गए, तो ये एक पोस्टर है जिसको अगर आपने अच्छे से देखना है, डिटेल में देखना है, तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर इन पोस्टर से डिटेल में इन फैमिलीज के स्टडी कर सकते हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनमें कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लीनियर अप्रोच को शो कर रहे हैं। ये लीनियर अप्रोच है स्टूडेंट, जो हेस्टन एट ऑल द्वारा तैयार किया गया था। देखिए ये है एंजियोस्पर्म, बेसल एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये मैग्नोलिड्स हैं। लीनियर अप्रोच में अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो डिविजन्स क्लियरली दिखाई देते हैं, और प्रत्येक डिविजन या कह लें हम क्लेड जो है, ये अपने आप में मोनोफाइलेटिक ओरिजिन को दर्शा रहा है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हो गए, मैग्नोलिड्स हो गए, इसमें मोनोक्लेट, ये मोनोपोड्स आ गए, जिससे ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये यूडीपोड्स हैं, इसी तरह सुपर रोजिट्स आ गए, फिर ये क्लेड रोजिट्स का आ गया, फिर सुपर एस्टेरिड्स, और ये एस्टेरिड्स। तो आप ये देख रहे हैं प्रत्येक जो स्तर पर, प्रत्येक जो ग्रुप है, अपने आप में
लीनियर अप्रोच के थ्रू क्लियरली मोनोफाइलेटिक ओरिजन को दिखा रहे हैं। इस प्रकार लीनियर अप्रोच एपीजी सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट देता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। जैसे हर सिस्टम में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम के मेरिट्स को देखें तो ये सिस्टम जो है पूरी तरह से फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल के ऊपर तैयार किया गया है और इस तरह से ये मोनोफाइली को दिखाता है, ठीक है। दूसरी जो इसके मेरिट है वो ये है कि ये सिस्टम जो है सभी तरह की सूचनाओं, सभी स्तरों से प्राप्त सूचनाओं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी स्तर की हो, एम्ब्रोलॉजी हो, पैलिनोलॉजी हो, फाइटोकेमिस्ट्री हो, या फिर मॉलिक्यूलर स्टडीज, मुख्यतः मॉलिक्यूलर स्टडीज, इन सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें इसकी मेरिट्स में, तो इसमें एंजियोस्पर्म के जो ट्रेडिशनल डिविजन्स हैं जैसे मोनोकोट एंड डाइकोट, तो वो ना तो होकर इसमें मोनोकोट टैक्सा को प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स और यूडिकोट्स के बीच में रखा है, तो ट्रेडिशनल डिविजन जो कि पैराफाइलिक को दिखाते थे, पैराफाइलिक जिनके कारण पैराफाइलिक की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो समस्या भी अब इस सिस्टम जो है दूर करता है। नेक्स्ट इसके जो मेरिट है कि इस ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि प्रिमिटिव फीचर्स को दर्शाती हैं, उन फैमिलीज को एंजियोस्पर्म की बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही रख दिया गया है, जैसे कि फैमिली एम्बोरिलेसी, ठीक है, जिसमें कि यूनिक जो कैरेक्टर्स, एंजियोस्पर्म के यूनिक कैरेक्टर्स पाए मिलते हैं वो है ग्रेनुलर एंड नॉक्टेक्टिक इटेक्साइन, इसको सिस्टम के शुरुआत में ही रखा है। Although no formal names have been given for groups above the rank of order, there is a constant endeavor to construct superordinal monophyletic clades. ठीक है, जैसे इस सिस्टम के अंतर्गत जैसे आपने देखा था कि ऑर्डर से ऊपर की जो रैंकिंग है उसको कोई फॉर्मल नोमेनक्लेचर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी सुपरऑर्डिनल मोनोफाइलेटिक क्लेड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन को दिखाने के लिए क्लेड्स जो है उनका नोमेनक्लेचर किया गया है। साथ ही कई क्लेडोग्राम्स जो है वो एक जनरल एफिनिटीज को शो करते हैं, उसके बारे में जो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन जो वेरियस फील्ड से मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसके आधार पर जो क्लेडोग्राम्स तैयार किए गए हैं, वो क्लेडोग्राम्स जो है एंजियोस्पर्म के विभिन्न ग्रुप्स या एंजियोस्पर्म के विभिन्न क्लेड्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में एक सामान्य जो है एफिनिटीज को दिखाते हैं, उनके बीच में उनके बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ये क्लेडोग्राम दिखाते हैं, और इस तरह से एपीजी सिस्टम को सहमति मिलती है। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो ये जो सिस्टम है इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी इतनी नहीं है जितने दूसरे ट्रेडिशनल सिस्टम्स की है, जैसे हर्बेरिया और फ्लोरास को तैयार करने में हम जो ट्रेडिशनली बेंथम हुकर का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं या फिर क्रॉनक्विस्ट कह लें, तो उतना ज्यादा इस सिस्टम की प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रही है। ये सिस्टम जो एपीजे सिस्टम जो है इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना दूसरे एंजियोस्पर्मिक सिस्टम हुए हैं। साथ ही इस सिस्टम्स में कई फैमिलीज जो है मोनोफाइलेटिक ऑर्डर्स में यद्यपि असेंबल्ड कर दी गई, ठीक है, उनको रखा गया है, लेकिन फिर भी उनकी जो स्थिति है वो अभी भी अनसर्टेन बनी हुई है, ठीक है।
तीसरी अगर हम मेरिट देखें सॉरी डीमेरिट्स देखें, तो इसका एक बड़ी डीमेरिट ये है कि इसमें ऑर्डर से ऊपर की रैंकिंग या ऑर्डर से ऊपर की कोई डिवीजन रैंकिंग का कोई फॉर्मल नोमेनक्लेचर नहीं दिया गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल फिनोमिना क्लेड का यूज किया गया है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप डिटेल में इसके नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। और साथ ही यदि आप कोई अपना कुछ अलग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप योर स्टडी कंटिन्यू, आपके एग्जाम्स जल्दी ही होंगे। ठीक है, बाय। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो उस टॉपिक्स को आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन स्टूडेंट, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना, क्योंकि तो जल्दी ही आपके एग्जाम्स होंगे। ओके, टिल देन बाय, कीप कंटिन्यू योर स्टडी एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आर के बायो वर्सिटाइल। थैंक यू।